किसानों के मसीहा सर छोटूराम की 140वीं जयंती किसान भवन के अलावा धरना स्थलों पर भी मनाई गई। संयुक्त किसान पंजाब में मंत्री रहते छोटूराम ने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी जयंती जन्मदिन पर नहीं बसंत पंचमी पर मनाई जाए। तभी से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उनकी जयंती बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है, क्योंकि ये दिन किसानों के लिए खुशियों वाला दिन होता है। उत्तर भारत में किसानों के मसीहा बनकर उभरे सर छोटू राम की 140वीं जयंती प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में पहली मर्तबा किसान भवन के अलावा किसानों के धरना स्थलों पर भी मनाई गई। पहले ये सुनिए। किसानों का तो मसीहा है वो, जब तब भी किसानों का ऐसा ही हाल हो गया था जब मोदी ने कर दिया ना, जब छोटू राम ने किसानों की वही जड़वा दी थी। बनियों से पूछा, जिनके गुंठे लग रहे थे जमींदारों की सारी जमीन गहने पड़ी थी, तो छोटूराम मंत्री था और कोऑपरेटिव उसी का लिखा हुआ है, छोटूराम का लाहौर रियासत, तो जी बोर्ड बैठते थे वो। चौधरी छोटूराम ने पूछा बनिया था बला के, भाई मैं एक चीज छोड़ना चाहता हूँ जमींदारों की, किसानों की, तुम तो मूड छोड़ोगे कि ब्याज छोड़ोगे। अब बनिया ने हिसाब लाया कि भाई ये तो मूड तो 5,000, ब्याज 25,000 हो रहा, तो बनिया ने क्षणपत में कह दिया जी मूड छोड़ दिया। तो चोई छोटूराम बोले तब ने मूड छोड़ दिया और ब्याज मैंने छोड़ दिया, जय दबो बही पड़वा के राग लुआ दी थी उनका। चूंकि देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसान आंदोलन छिड़ा और जीवन दान पा गया, अब आगे क्या हो सकता है? नहीं, आंदोलन ठीक दिशा में चल रहा है, शांति प्रिय चल रहा है। जो भी वो गड़बड़ हुई 26 जनवरी को, वो भी बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी, वो तो हमारे को संभावना भी दी है भाई आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ रचेंगे षड्यंत्र। किसान आंदोलन के 83वें दिन पानीपत में धरने पर बैठे किसानों ने माना कि इस आंदोलन में बेशक राकेश टिकैत सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं, पर कोई भी फैसला सभी 40 संगठनों की संयुक्त कमेटी के नेताओं के तौर पर लिया जाएगा। किसान तो तंग है ही है, और भी बहुत तंग है, ट्रैफिक भी कम है, बाजार भी बंद है, सभी चीज बंद है, लेकिन किसान की सुननी पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी, मैं गांव में रहता हूँ, वह गांव में 90% 95% आदमी जी किसान है, क्योंकि हर आदमी इस वर्ग से जुड़ा हुआ है। मैं खुद आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, दिल्ली 3 बार जा लिए, 4 बार जा लिए धरना स्थल पर, हमारे गाँव से हर रोज जाते थे। हालांकि अब नई डेवलपमेंट ये है कि सरकार से किसान नेताओं की एक और बैठक मंगलवार देर शाम हो रही है, देखिए इसमें क्या होता है। फिलहाल किसान 18 फरवरी के 4 घंटे के रेल रोको की तैयारी में लगे हैं। हालांकि दिल्ली पानीपत अंबाला पंजाब रूट पर ट्रेनें पहले से ही रुकी हुई हैं, पूरे दिन में 4 ट्रेनें ही आती जाती हैं। ट्रेन कैसे रुकेंगी, ट्रेनें तो पहले ही बंद पड़ी हैं। ट्रेनें जो भी चल रही है वो मालगाड़ी है या कोई सुपर फास्ट है, वो भी बंद रहेगी 12 से 4 तक, और जहाँ जिसका भी एरिया लगेगा वो अपने एरिया में ही रोकेगा जी। चलिए, कभी तो वो दिन आएगा जब किसान आंदोलन खत्म माना जाएगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी किसान दुखी थे, शोषित थे जैसे आज हैं। उस वक्त उत्तर भारत में सर छोटू राम को किसानों का मसीहा कहा जाता था, हरियाणा की बात करें, पंजाब की, पश्चिम यूपी की, राजस्थान की, तो सर छोटू राम ने उस वक्त के किसानों को कहा था कि मेरी जयंती जब आए, मेरी जयंती उस दिन मत मनाया करो, बसंत पंचमी के दिन मेरी जयंती मनाया करो। और तभी से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी के किसान सर छोटू राम की जयंती को बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है, और आज पहली दफा ऐसा हुआ कि धरना स्थलों पर जाना किसानों के धरने हैं, सर छोटू राम की जयंती पहली मर्तबा धरना स्थलों पर मनाई गई है, और आज के बाद 18 फरवरी को 4 घंटे रेल रोको की तैयारियों में किसान लग गए हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।